सरदार जी, क्या लग रहा है आपको, 24 में चुनाव है, कौन आएगा? कोई है ही नहीं आगे, कोई है ही नहीं आगे, है ही नहीं है कोई बंदा ही नहीं आगे, तो किसको कहें? भगवंत मान है पंजाब में, घेरेंगे हम। और अब मैं क्या कहूँ, जो बंदा पंजाबी बोली कोई दिक्कत नहीं है, जड़ा बंदा खुद है शराब के नशे धोतर हुए, वो की करेगा? शराब पी तो बिना वो चल नहीं सकता। कहते बदलाव लेके आवेंगे, बदलाव तो ले आ रहा, नशा बहुत ज़्यादा, मतलब पंजाब च डबल नशा हो गया है। मैं अमृतसर से हूँ प्रॉपर। नशा को जड़ से मिटाने की बात कहकर आई थी आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर में, डबल हो गया है। जैसे यहाँ दारू फ्री चली थी, ऐसे नशा वहाँ डबल हो गया है। कैसे हो गया फिर? अब ये तो वही बता सकता है भगवंत मान, मेरे को तो उसके बारे में वो बता सकता है कैसे हो गया, को उसे खुद ही नहीं पता कि नशा इतना बढ़ रहा है। जलंधर का भी अभी चुनाव हुआ है, उसमें जीत गए वो, तो वो अब मैं उसके बारे में पब्लिक को दिख नहीं रहा वहाँ पर, बस यही चीज़ हुई है। और पैसा चला है मोटा, पैसे पर पैसा मोटा चला है। वो कह रहे पैसा हमारे पास है ही नहीं है। पैसा ये मुझे एक बताओ, दिल्ली के सीएम की सैलरी कितनी है? 1,90,000 रुपया सीएम, दिल्ली के सीएम की सैलरी है, और विधायक की है 2,50,000 रुपया दिल्ली के, और प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है? तो इससे चुनाव थोड़ी लड़ी जाएगा। एक मिनट, मेरे पे पूरी डिटेल है, डिटेल दिखा सकता हूँ मैं। तो ये सैलरियाँ ये कहाँ से आएंगी? हमारा पैसा है, ये मौज ले रहे हैं। पंजाब के ऊपर इतना कर्जा हो रखा है, 3 लाख तो पहले ही था, अब बढ़ गया। और ये कहते थे हम 3 लाख करोड़, हम गाड़ियाँ नहीं लेंगे। जिस दिन ये वहाँ पे पार्टी जीती है, सबको फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ नहीं मिली हैं, ये न्यूज़ पे भी दिखाया था, ये फलाने मंत्री की है, फलाने मंत्री गाड़ियाँ सबकी दिखी थी। तो क्या ये करेंगे? ये तो हमारे सीएम साहब भी, ये दिल्ली के हमारे सीएम साहब, मैं आप सब तो नहीं बोलूँगा पर सीएम साहब जरूर लगा दूंगा, साहब में भी सब। एक बात पंजाब को लेकर ये भी कही जा रही है कि पंजाब का जो ऑपरेशन है, ऑपरेट जो है ना, वो केजरीवाल साहब के पास है, यहीं से चल रहा है पंजाब, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, लगता है आपको ऐसा? यही है सच्चाई है, ये सच्चाई है, केजरीवाल ऑपरेट कर रहा है उसको। फिर पंजाब की जनता ने चुना किसको है? फिर पंजाब की जनता चुन चुकी है ना, अब रो भी तो रहे हैं, अब परेशान भी तो हैं, हर चीज़ में परेशान है, काम धंधे वहाँ नहीं है, नशा इतना बढ़ गया है, और बच्चे मतलब अब पंजाब में रहना पसंद नहीं करते। मैं अपने घर की बात करता हूँ, मेरे मौसी के 2 पोते हैं, जवान हैं, वो दोनों ही बेटों को, एक को मैंने यहाँ दिल्ली ले आया हूँ और एक किसी दूसरी जगह गया, चला गया है। फ्री की बातें कर आए थे आम आदमी पार्टी, कह रहे थे फ्री बिजली देंगे, 1,000 रुपया महीना देंगे महिलाओं को, मिल पा रहा है कि या नहीं? फ्री तो दिल्ली में भी नहीं उसने दी, किसको दी है दिल्ली में फ्री? सिर्फ मकान मालिकों को। दिल्ली में किराएदार कितने परसेंट हैं ये आम पब्लिक को नहीं पता, मैं बताता हूँ, मैं पूरी डिटेल रखता हूँ और मैं बहुत अंदर तक, जड़ों तक जाता हूँ, मैं पत्तों पे नहीं उड़ता हूँ, मैं जड़ों में जाता हूँ। यहाँ पे किराएदार 60 से 65% हैं और मकान मालिक हैं 30 से 35%। मकान मालिकों को मतलब बिजली फ्री मिलती है, किराएदारों को तो 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये भी है। मैं खुद 8 रुपये यूनिट देता हूँ, मैं खुद किराए पे हूँ, तो मैं कैसे वहाँ जिनको बिजली फ्री मिलती है, हमें तो नहीं मिलती। फिर पीछे इसने कहा था कि आप अपने किराए के मकान में आप मीटर अपना लगवा लो, तो मैंने हमारे भाई थे जिनके मकान में। तो आपको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब के अंदर में नशा बढ़ चुका है? नशा डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। नशा भी ऐसा नहीं वहाँ पर, आपको मालूम है ड्रग्स आ रहे हैं वहाँ पर? ड्रग्स है क्योंकि बॉर्डर का पास पड़ता है अमृतसर से 20-25 किलोमीटर। तो आरोप ये लगते आ रहे हैं ना कि आम आदमी अकाली हैं और कांग्रेस हैं, ये मिल बांट कर खा रहे हैं और नशा फैला रहे हैं पंजाब के अंदर में। तो ये तो उनका भी बाप निकला, ये उनसे भी आगे निकला है, क्योंकि ये सारे भूखे नंगे हैं, कंगले हैं। अब यहाँ हमारे दिल्ली के ऐसे विधायक हैं जो जिनके पास कुछ नहीं था, और मैं अपने विधायक की बात करता हूँ संगम बिहार से, मोनिया है, सिलाई मशीन, ये रेडीमेड की मशीन पर कपड़े सिलता था और आज महल बना रखे हैं, कहाँ से आ गया पैसा? हम मैं जितनी मेहनत मजदूरी करते हैं, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, हमारे से तो सारा रोटी नहीं पूरी होती, और उसने विधायक बनते ही और अपना